एक बंदे ने कमेंट किया था अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में, कहने लगा कि भाई आप चक्कू के पीछे इतना क्यों पड़े रहते हो। पता था जब चक्कू की धार मर जाए ना और जब बॉक्सेस खोल लो तो बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि बड़ी शिद्दत से लाया था भाई मैं ये, इसकी शेप देखी, इसकी धार देखी, मैं बड़ी शिद्दत से लाया था ये चक्कू, और जब ये काम वो नहीं करता ना तो बड़ा दिल दुखता है। और इस मामले में फिर मेरे काम आया था जब मैंने, मतलब यू नो, जब मैंने कैमरामैन चेंज किया था ना, जब मेरे काम आया था वो जो पुराना था ना रामपुरी, ये तो कोल्हापुरी है, वो रामपुरी काम आया मेरे बहुत, क्योंकि एक्चुअल में उसकी धार नहीं मरी, वो अभी तक वैसा का वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। तो फिर भी देखो मैं उस भाई की रिक्वेस्ट वो थी कि हाँ भाई चक्कू के साथ कुछ नहीं, तो ये देखो ये चक्कू तो यही है, पर फिर मैं लाया एक इंडस्ट्रियल चक्कू। यार अनरैपिंग या अनबॉक्सिंग कुछ भी करनी है, कुछ तो ऐसा चाहिए ना जो काट तो सके, वरना ही चीड़ फाड़ सी करनी पड़ेगी इनके साथ। बट टुडे वी गॉट टू पैकेजेस इन द हाउस, एंड एक चीज बॉस ने कही थी कि अपा ज्यादा प्राइस के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब मैं नहीं करूंगा ये चीज, मैंने भी यही चीज शुरू में कही थी कि मैं ज्यादा प्राइस के बारे में बात नहीं करूंगा, पर मैंने जो अभी करी करेंटली वीडियोस तो उनके अंदर मैंने प्राइस के बारे में बोल दिया। बट फिर भी लेट अस रिज्यूम दिस, इसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि इसके प्राइस का एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता, ये मुझे सिर्फ दिया गया कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट क्या है और आपको अनबॉक्सिंग करनी है। सर्दियों का जुगाड़, ओ ये वो, ये तो मंकी कैप जैसी भी नहीं है, ओ वाओ ब्रो, अच्छा यार फैब्रिक अंदर से जैसे वो इसमें नहीं होता, ये अपनी मोटी जैकेट होती हैं उनके अंदर जैसा फैब्रिक होता है, और ये तो ड्यूल साइड है, ड्यूल साइड हो जाएगी आई गेस, है ना? नहीं ड्यूल साइड नहीं कर सकते, लेकिन यार फैब्रिक अच्छा है और कलर भी अच्छा है, यू नो। अब ये है कैप एंड ये है इसका, आजकल मार्केट में वैसे भी बहुत कुछ ऐसा चलने लग रहा है कि हाँ मैचिंग मैचिंग सा, और एक्चुअल में ये चीज अच्छी है यार, मतलब क्वालिटी अच्छी है इसकी। एक सेकेंड, लेट अस, स्ट्रेचेबल भी है, तेरी मुंडी इसमें से निकल सकती है ब्रो, यू नो बड़े बड़े लोग, मतलब लिटरली मुझे क्वालिटी सही में अच्छी लगी इसकी। एंड ये वाला भी खोल के देखेगा, ये यही है क्या, ये अनरैप नहीं, ये तो चीड़ फाड़ है। वाओ वी गॉट टू डिफरेंट कलर्स, सर्दियां जाने वाली, अब इनका करेंगे क्या? अगली सर्दियों में काम, एग्जैक्टली अगली सर्दियों में काम आएगी, जब पाड़ा पड़ेगा नहीं उसमें काम आएगी। पर यार जो भी कहो इनकी क्वालिटी सही में मुझे अच्छी लगी, बिल्ड क्वालिटी, ऊपर से जैसे निटिंग कर रखी है, अब ये निटिंग जो है निटिंग गारमेंट टेक्नोलॉजी, पढ़ोगे कभी अगर कभी पाला पड़ा ना मेरी तरह तो पढ़ोगे, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ ये मशीन के द्वारा बनती है, ये वाले जो पैटर्न होते हैं ये ज्यादातर हाथ से नहीं बनते, ये मशीन के द्वारा बनते हैं। बट इसके बाद जो इसके अंदर इन्होंने मटेरियल यूज करा है ना, ये सही में इंसुलेटिव मटेरियल है कि ये हीट को ट्रैप करने रखने वाला, ये वैसा सा मटेरियल है, और ये हो गया नेक पे डालने वाला, ये हो गया सर पे डालने वाला, तो वो जो तू लगाता नहीं है क्या नीचे से वो स्ट्रेच करके, ये वैसी सी चीज होगी कि हाँ यूं मुंह और गला दोनों ढक लिया और इससे सिर ढक लिया। बड़ा अगर सोच के देख इसकी जगह मंकी कैप होती हमारा देसी जुगाड़ देसी, अरे उसमें से मुंडी यूं निकली होती नीचे से, ये स्कार्फ डला हुआ होता, कितना बुंडा सा लगता। हालांकि मंकी कैप में जरूरत नहीं पड़ती, वो यहां तक तो ढकी लेता है, आधी गर्दन तो ढकी लेता है वो, समथिंग आर लेजेंड लोग सुनते हैं उनके बारे में, आज भी वो चलती हैं, आज भी चलती हैं, निकल के देखो जरा वो, आज वो पुराने पुराने लोग हैं ना, वो वैसी सी कैप पहनने मिलेंगे आपको, और ज्यादातर आपको वो चीज देखने को कहाँ मिलेगी, जैसे दिल्ली वगैरह में या थोड़ा बहुत पंजाब में, हरियाणा वाले तो सिंपल सा कहते हैं मारे थोड़ी लाग अगर है ठंड, पर फिर बाद में खुद ही पड़ जाए दादा। मैं तो अभी भी देखता हूँ ना जिस हिसाब से, मतलब ठंड इतनी, मतलब जाने वाले फेज में ही है, पर लोग हाफ बाजू की शर्ट में, भाई शर्ट टी शर्ट में घूम रहे। मैं मतलब अभी घूमने भी गया था ना,
तो मैंने एक जैकेट पहन रखी हाफ बाजू की, एक स्वेटर पहन रखी, और मैंने सामने देखा मेरे एक हाफ बाजू की टी शर्ट में बंदा खड़ा है। पता है कितना डिसग्रेसफुल सा फील हुआ। जब ही तो मैंने तेरे से कहा मैं यार अब तो ठंड जाने वाली है, हमने ये क्यों मांगे, लेकिन ये ऑर्डर गुड थिंग सोचा हमने भी यही था, और सोचा बॉस ने भी ये हुआ जब भी उन्होंने ऑर्डर करवाए थे ताकि अगली सर्दी में काम आ जाए। लेकिन ये रेड वाली मैं लूंगा ये ना क्रिसमस पे दोनों भाई संता बन के निकलेंगे, टेंशन ना ले। ओ चलो ये था हमारा शॉर्ट सा रिव्यू। चीज की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है एंड हीट ट्रैप भी अच्छी कर लेगी, क्योंकि अंदर से जो मटेरियल यूज किया गया है वो बहुत बढ़िया है। चाहे दोनों का ही देख लो, दोनों का मटेरियल बहुत बढ़िया है। एंड कंपनी का तो देखो पता क्या होता है, ऐसे ऐसी उसमें ना कंपनी नहीं देखी जाती। अब उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि आज मैंने किसी और कंपनी की मंगाई है तो ऑनलाइन ही ना, आप जब मंगाओगे तो किसी और कंपनी की होगी। बट ठीक है, फिर भी हम किसी उसका मतलब जिसका भी ऑर्डर किया होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, तो यू कैन टेक अ लुक ऑन टू दैट। बाकी हमें पसंद आई एंड वी जस्ट कंक्लूड आवर वीडियो हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।